बिहार में जातीय जनगणना पूरी हो चुकी है और उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दी गई है, पर अब बिहार की राजधानी पटना से बवंडर मचा है। बवंडर इसलिए मचा है क्योंकि अब देश लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जातिगत जनगणना की मांग उठते दिख रही है, इसकी बगावती सुर दिख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये लोग पहले जात के नाम पे राजनीति किए हैं, अब ये लोग पाप कर रहे हैं। हमारे साथ में मीरा यादव है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य है। आप लोग जातीय जनगणना करा करके, आंकड़े सार्वजनिक करके पाप कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और इसके बाद जितने हमारा आवाज़ चैनल में सुन रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। भारत का जो इतिहास गवाह है कि भारत कौन लोगों का देश है, और जो लोगों का देश है उन्हें आदरणीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ते हुए जेल के सलाखों में बंद हैं, और किस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं अपना संविधान, देश और समाज को बचाने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में जब देश के तानाशाह शक्ति मनुविधान लागू करते हैं, गाय भेड़ बकरी जानवर का गिनती होता है और मानव का गिनती नहीं हो रहा था, तो इन्होंने बिहार से ही जो जातिगत जनगणना हुई है, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो मैडम, पाप आप लोग कर रहे हैं, जातीय द्वेष बिहार में अब फैलेगा और वो जातीय द्वेष अब पूरे भारत में फैलेगा। नहीं, जो यहाँ का शोषित, पीड़ित, वंचित, सदियों से उपेक्षित है, उसका हक और अधिकार मिलेगा। वो हक और अधिकार दूसरे को खिला करके और जो पीठ थपथपा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, ये तो महापाप कर रहे थे ना। नरेंद्र मोदी जी अपना यदि कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि वे अति पिछड़ा से हैं। पिछड़ा से अति पिछड़ा, ये तो मनु का पहचान है, लेकिन वो पिछड़ा से कह करके देश को इतना बड़ा धोखा दिए हैं कि अपने माँ तक के और बहन को और बेटी को भी वो नहीं छोड़े हैं। उधर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये सब छलावा है, जातीय के नाम पर छलावा कर रहे हैं। छलावा कहाँ है, छलावा तो आप कर रहे हैं कि मनु भवन को निर्माण कर रहे हैं। मनु भवन के, ये कैसे तार्किक बात बोल रहे हैं मैडम? संविधान से ही देश चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है? तो संविधान से मैं बताती हूँ कि संविधान से 90 के दौर में चल रहा था, अभी 90 के दौर खत्म हो गया है। मनु विधान 90 के पहले वाला दौर, आज़ादी के पहले वाला दौर से अभी देश चल रहा है कि आप देख रहे हैं कि 10% EWS जो कि साफ असंवैधानिक है, आरक्षण जो EWS आया 10% वो साफ असंवैधानिक है। उसके बाद फिर जो 33% आरक्षण है वो साफ असंवैधानिक है। महिला के समर्थन में जो 33% आरक्षण है वो कैसे असंवैधानिक? ये काला कानून है और ये भारत को कब्रिस्तान और शमशान बनाने वाला ये तानाशाही फरमान है, ये महिला आरक्षण नहीं है। मैं ये साफ शब्दों में कह देती हूँ कि ये एक तो सदन भवन से पास भी नहीं हुआ है, ये नया मनु भवन बना है जिसका कि उद्घाटन आप नई संसद भवन को मनु भवन कर रहे हैं। मनु भवन हम जम कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि जो देश का प्रथम महिला है राष्ट्रपति, उससे उसका उद्घाटन हुआ है, तो देश का सबसे सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति है, और लोकसभा का गरिमा तो राष्ट्रपति का गरिमा होता है। लोकसभा का उद्घाटन यदि हुआ था तो राष्ट्रपति से होता। और मैं ये भी कहती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू भी यदि सही राष्ट्रपति होती, वो कठपुतली नहीं होती, तो यहाँ राष्ट्रपति लागू रहता, शासन लागू हो जाता, और नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने के एक मिनट रहने के लायक काम नहीं किए हैं। पर एक सवाल ये है कि देश की छोड़ दी जाए और बिहार की बात की जाए, तो बिहार में लगभग 32-33 वर्ष से समाजवादी विचारधारा के पार्टी की सरकार रही, चाहे लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, बिहार में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया पूरी तरह से आरक्षण? बिहार में तो लालू जी हर समय आंदोलन, लालू जी को तो 20 साल से देख रहे हैं कि जेल में बंद रखे हुए हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई यदि लालू जी नहीं लड़ते तो नरेंद्र मोदी जी को भी कुर्सी नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी जी को भी कुर्सी मिली है तो लालू जी के लड़ाई के चलते मिला है। सामाजिक न्याय के जोधा तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? जातीय नाम पे अब राजनीति होगी पूरे देश में। देखिए, देश में अभी संविधान की लड़ाई हो रही है, संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है, और इस देश में अभी है जो अघोषित इमरजेंसी चल रहा है। अघोषित इमरजेंसी चल रहा है,
जिस तरह से पहले तो ईवीएम ला करके वोट रोकने का साजिश हुआ, अभी सदन में लालू प्रसाद यादव, शरद जी यादव जैसे जो सदन में जा रहे थे वैसे नेताओं को रोकने का साजिश है। महिला बिल जो काला कानून लाया गया है, और फूलन देवी, भगवतिया देवी महिला सदन में नहीं जाएगी, फूलन देवी जैसी महिला को फूलन देवी नहीं बनने नहीं जाएगी। महिला तो जा रही है मैडम, महिला 33% आरक्षण मिल गया तो सभी महिला जाएगी ना? कैसे सभी महिला जाएगी? आरक्षण का मतलब हमको पहले समझाइए। आरक्षण तो के मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है, और इस देश के रिप्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात है तो अपर क्लास की महिलाएं प्रधानमंत्री बन के चली गई है, लेकिन गरीब वंचित शोषित जो महिला है इसी का तो लड़ाई था। जो एक समय बिल फटा था, महिला बिल क्यों फटा था? कोटे में कोटे की मांग है। मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस असंवैधानिक आरक्षण वो लिया तो फिर 33% उसी में आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए था, स्वर्ण महिलाओं को। जब जैसे कि SC ST को SC ST के कोटा में मिला है तो फिर 33% तो टोटल OBC की महिला का है, टोटल OBC का महिला का, तो ये क्या हो रहा है? इससे महापाप और क्या होगा? सबसे बड़ा महापाप तो मोदी जी कर रहे हैं। इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई और कोरोना के नाम पर कितना जल्लादी ये काम किए, कितने लोगों का जान ले लिए, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाए, और बना रहे थे मंदिर, तो आप राम मंदिर में ही ना घंटा बजाइए। सदन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चलिए, तो आप राम मंदिर में ही घंटा बजाइए, सदन को बर्बाद मत कीजिए। और वहीं प्रधानमंत्री का बयान आया है कि ये लोग देश में जातीय द्वेष फैलाना चाहते हैं, ये लोग पाप करना चाहते हैं, जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक की गई है। बहरहाल, जातिगत जनगणना जो आंकड़े सार्वजनिक की गई है उस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार इनके साथ। जय भीम, जय भारत।